आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रेक्टेंगल यानी आयत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझना। और अंत में वीडियो के आपको मैं कुछ ऐसे सवाल करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एसएससी मेंस के लिए भी, और साथ में जो लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत कुछ सीखेंगे उस सवाल से, तो वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे @aptrix e-classes यूज़र नेम सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल हेलो एप्ट्रिक्स भी ज्वाइन करके रखें ताकि हर एक वीडियो अपलोड की जानकारी या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है हम लोग वहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली यूट्यूब की तरफ से मिले। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऐसी गलती ना करें, प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को इत्मीनान से समझ समझ के देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बड़ा अजीब सा नाम लिखा हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश ने तो बहुत पहले भारत को छोड़ दिया 1947 में, तो अभी हम इनके नाम का थ्योरम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जिस तरह का नाम है तो नाम मैंने लिख दिया, ठीक है, बाकी हमें नाम से मतलब नहीं। अगर आपको नाम बदलना है तो अपना नाम लगा लेना, ठीक है, कि आपका थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर ब्रिटिश से प्रॉब्लम है नाम बदल सकते हैं, जो मर्जी है रख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस थ्योरम के बारे में सीखेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या, थ्योरम बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन वह जो हमें सीखना है वो इसका एप्लीकेशन, कि किस तरह के क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन हो सकता है और किस तरह के अच्छे सवाल एग्ज़ाम में आपके लिए बन सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आपको पता है, ठीक है। मैं आपका जीवन सरल बनाने आया हूँ तो जीवन तो मैं आपका सरल बना के ही रहूँगा। चलिए देखते हैं कौन सा सिचुएशन है, क्या हमें अंडरस्टैंड करना है। देखिए ये सिंपल से एक स्टोरी है कि आपके पास अगर एक रेक्टेंगल है, एक आयत अगर आपके पास है और उसके भीतर आपने कोई पॉइंट अगर ले लिया पी, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, जो आयत है भीतर उसके एक बिंदु है, पॉइंट है पी। तो अगर हम पी को ए से ज्वाइन करें, पी को बी से ज्वाइन करें, पी को सी से ज्वाइन करें और पी को डी से ज्वाइन करें, तो इस केस में एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप बनती है, जो रिलेशनशिप कुछ ऐसी है कि अगर आपने पी ए स्क्वायर निकाला, आपने पी ए स्क्वायर निकाला, साथ ही आपने पी सी स्क्वायर निकाला, ये वैल्यू जो होती है ये आपका पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर होती है। पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर का जो सम होगा वो पी बी स्क्वायर और पी डी स्क्वायर के सम यानी योग के बराबर होगा। अब देखिए ये जो थ्योरम है इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रिटिश का फ्लैग देखा होगा तो वो रिजेंबल करता है, इस पॉइंट को थोड़ा और सरका के कहीं बीच की तरफ ले आइए तो वो उस ब्रिटिश फ्लैग की तरह रिजेंबल करता हुआ मिलता है, ठीक है। आप पी ए स्क्वायर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक स्क्वायर बना दीजिए पी ए स्क्वायर, एक पी बी का एक स्क्वायर बना दीजिए पी बी स्क्वायर, पी सी पे एक स्क्वायर बना दीजिए पी सी स्क्वायर, पी डी पे एक स्क्वायर बना दीजिए पी डी स्क्वायर, ठीक है। और ये पी ए और पी सी वाले स्क्वायर्स को ना आप सेम कलर दो, पी बी और पी डी वाले स्क्वायर को भी आप सेम कलर दो। तो कहने का मतलब यही है कि जो इन भुजाओं को लेके स्क्वायर्स बन रहे हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको पता है, बता चुका हूँ मैं, किसको लेंथ को लेके स्क्वायर बना दो, तो सिंपल सा हो जाएगा कि पी ए लेंथ लेके अगर आपने एक स्क्वायर बनाया, पी सी लेंथ लेके आपने एक स्क्वायर बनाया, पी बी लेंथ लेके आपने एक स्क्वायर बनाया, पी डी लेंथ लेके आपने एक स्क्वायर बनाया, तो यही रिलेशनशिप होल्ड करेगा उनके एरियाज के बीच में, ठीक है। अब देखिए एक काम करेंगे, इसको प्रूव करना चाहते हो तो कोई चैलेंज नहीं है इसमें, एक लाइन यहाँ ड्रॉप कर लो आप, ऐसे एक लाइन आप यहाँ से ले लेना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और इसको ऐसे ड्रॉप कर लो, ठीक है। तो जब आपने इसको ऐसे ड्रॉप कर लिया तो ये जो वैल्यू हो गई, इस पॉइंट को मार्क कर लो कुछ भी, इसको कह दो आप एम है, ये पॉइंट आपका एन है, और फिर इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि ये वैल्यू एक्स है, जो डी एम है वो एक्स है, जो बी एन है ये वाई आप मान लो, इतनी वैल्यू आप बोल दो के है और ये वैल्यू आप बोल दो डब्ल्यू है, ठीक है। ऐसे करके लिख लो कि जो डी एम है वो एक्स है, जो बी एन है वो वाई है, ऐसे करके आपने लिख लिया। अब जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करो आप, जो पी ए स्क्वायर अगर आप निकालने जाओगे ना, ये वैल्यू है, अब पी ए स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपकी हो जाएगी पी ए स्क्वायर। साथ में अगर आप पी सी स्क्वायर निकालने गए यहाँ पर, ये पॉइंट सी था, तो पी सी स्क्वायर अगर आप निकालने जाते हो तो वो के स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आ गया। साथ में अगर आपने पी बी स्क्वायर निकाला तो वो किससे बना है, वाई और डब्ल्यू से, तो वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा। साथ में अगर आपने पी डी स्क्वायर निकालना है तो एक्स और के से बना हुआ राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया। आप देख लीजिए एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये पर्पस आपको शो करने का कि ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो, इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो चार राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं जब हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो जो वैल्यूज मुझे चाहिए पी ए पी सी पी बी पी डी, ये सारी वैल्यूज हाइपोटेनस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। और क्या स्टोरी है कि देखो पी ए जो है एक्स वाई परपेंडिकुलर्स का हाइपोटेनस है, और ये आपका के और डब्ल्यू परपेंडिकुलर्स का हाइपोटेनस है आपका पी सी। पी बी जो है आपका वाई और डब्ल्यू परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस है, और जो पी डी है आपका वो एक्स और के का हाइपोटेनस है। आपको पता है कि अगर हम हाइपोटेनस लिखते हैं तो वो सबका स्क्वायर का सम होगा। देखो यहाँ भी एक्स वाई के डब्ल्यू है, यहाँ भी वाई डब्ल्यू एक्स के, यानी चारों आर हैं। अब देखो ये रिलेशनशिप जो है ना ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहलाती है, ठीक है, कि पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर का जो सम होगा वो पी बी स्क्वायर और पी डी स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इस रिजल्ट को आप एग्जाम में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, आपको मन कर रहा होगा ना कि पॉइंट को शिफ्ट कर देते, ठीक है, जब ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहना ही रहना है तो क्यों ना इसको शिफ्ट कर दे, ठीक है, बिल्कुल करो। आप शिफ्ट करके अगर इस पी पॉइंट को ना सी पॉइंट पे अगर पहुंचा ले जाओ, आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आपने शिफ्ट किया और शिफ्ट करके आपने इस पी पॉइंट को सरका के ना सी पॉइंट पे पहुंचा दिया, तो पी और सी पे अगर आपने सरका दिया तो देखो ये क्या होगा, ये पॉइंट, ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी, और आपका जो पी ए है वो ये सीधी लाइन हो जाएगी, जो पी बी है आपका वो ये सीधी लाइन हो जाएगी, पी सी आपका ज़ीरो हो गया, और जो आपका पी डी है वो तो इसी के बराबर हो गया, ठीक है। तो पी सी आपका ज़ीरो हो गया, आप खुद ही आप देख लो ना पी ए स्क्वायर जो होगा, क्योंकि पी सी ज़ीरो हो चुका है, तो पी ए स्क्वायर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो आपका इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो एक्चुअली जब कॉर्नर पे पॉइंट लेके जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम जिसका नाम है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब पाइथागोरस से पंगे कौन लेगा, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि पॉइंट अंदर होना चाहिए, है ना। अगर कॉर्नर पे चले गए ना तो ये तो वही हो गया ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया फिर, तो इसीलिए ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में पॉइंट बोला अंदर होना चाहिए, है ना, वरना कॉर्नर पे तो वो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो नाम अलग रखने के लिए, उसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना के रखने के लिए ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के लिए बोला गया पॉइंट अंदर हो, ठीक है। अब आपको इस समझ में आ गया होगा कि कुछ भी नहीं है, चार बार पाइथागोरस लगाया तो एक रिजल्ट आ गया, पर इस रिजल्ट को ना आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है। अब देखिए एक वेरिएशन और भी है, एक वेरिएशन और भी है इसी ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम का, कि जैसे यहाँ पॉइंट हमने पी लिया और इसको हमने बोला ए बी सी डी, जो कि बात हो रही थी पॉइंट अगर अंदर है, पॉइंट मैंने आपको बताया कॉर्नर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट बाहर भी हो सकता है। तो पॉइंट अगर बाहर है कॉर्नर पे तो आपको पता लग गया कि ये पाइथागोरस में कन्वर्ट हो गया। अगर हम बाहर की बात करें ना, ये पॉइंट पी आपने यहाँ ले लिया तो ये हो जाएगा पी ए, यहाँ बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, तो फिर से देखना क्या होगा कि पी ए स्क्वायर, अगर आप तब भी जाके यही कैलकुलेट करिए कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये बराबर आएगा आपका पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के, ठीक है। और अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो उसी तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको करना वही है कि फिर से पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा आपको। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर लो, ठीक है, और ध्यान से देना आप क्या करने जा रहा हूँ मैं इसको फिर से कहूँगा एक्स है, इस दूरी को आप कुछ भी मान सकते हैं, आपने बोला कि ये के है, इसको आप डब्ल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये के डब्ल्यू हो गया। और ये जो दूरी आपको दी गई है ना, ये जो दूरी मैंने मान ली डब्ल्यू है, और यहाँ पर ये दूरी अब मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये एक्स और डब्ल्यू से बनेगा। ध्यान से देखना अभी, अगर आप पी डी कैलकुलेट कर दो, पी डी स्क्वायर, मैं सारा कुछ लिखता हूँ कि पी ए पी सी पी बी और पी डी किन किन चीज़ों से बन रहा है, फिर आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर निकाल के क्या क्या बराबर होगा। देखो पी डी मेरा बन रहा है एक्स और डब्ल्यू से, एक्स और डब्ल्यू का हाइपोटेनस बन रहा है मेरा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि जो ये वाला ट्राइंगल है मेरा पी सी, ये बन रहा है के और डब्ल्यू से, ये बन रहा है मेरा के और डब्ल्यू से, ठीक है। अब देखो दो ट्राइंगल और बन रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस पूरी लेंथ को ना वाई मानूंगा, पूरी लेंथ को अगर मैंने वाई माना है तो आप देखो जो पी ए की बात हो रही है वो हाइपोटेनस किस ट्राइंगल का बना,
एक्स और वाई वाले परपेंडिकुलर्स का, तो यहाँ एक्स वाई लिख दिया। और ध्यान से देखो एक और ट्राइंगल बन रहा है, जब हम बात करेंगे पी सी इस पी बी लेंथ की, तो पी बी वाले लेंथ में जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये दूरी क्या है, के है, और पूरी दूरी हमने मानी है वाई है, तो ये बन रहा है के और वाई से। अब ज़रा ध्यान से देखो आप, अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आप निकालोगे तो आपका के स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर निकालोगे तो ये के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आएगा। आप खुद ही देख लो कि फिर से ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, क्योंकि एक्स के वाई डब्ल्यू सबके स्क्वायर इधर भी उधर भी। तो ये पॉइंट अंदर हो या बाहर हो या इवन आपके रेक्टेंगल के ऊपर हो, ठीक है, हर जगह ये कहानी ट्रू होल्ड करती हुई आ रही है, ठीक है, कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो भी कहानी है ये ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये दो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये कि अगर पी पॉइंट से जो दूरी निकाल रहा हूँ मैं, पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर, ये पी बी और पी डी स्क्वायर के बराबर है, ये हमेशा रहेगा, मैंने आपको बता दिया, अंदर बाहर कॉर्नर कहीं भी चले जाओ, ठीक है, कॉर्नर में ये तो पाइथागोरस बन जाता है। तो इसका मतलब पी पॉइंट को मूव कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में अलाउड है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने पी पॉइंट को फिक्स नहीं किया है तो हम मूव कर सकते हैं, अगर फिक्स कर दिया तो नहीं मूव कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर वैल्यू ही उन्होंने दे दी, पी ए लेन दे दिया, पी बी लेन दे दिया, पी डी लेन दे दिया, तो हम रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं दिया तो मूव कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सम स्क्वायर्स ऑफ सम जो है बराबर होते हैं, मतलब पी पॉइंट को अगर हम बात करें अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, डायगनली अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनकी स्क्वायर के लेंथ का जो सम होगा और दूसरे वाले डायगनली अपोजिट पॉइंट के स्क्वायर के सम के, ये बिल्कुल बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। दोनों वेरिएशंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, कि बाहर पॉइंट हो या अंदर पॉइंट हो चलता है, तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम यूजली इसको बोलते हैं अंदर वाले पॉइंट को, लेकिन बाहर वाले पॉइंट में भी ये वैलिड है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल करते हैं, कैसे सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल तो बहुत ही सिंपल सवाल मैंने लिया है ताकि आप कम से कम इसको समझ पाएँ कि ये थ्योरम है क्या। तो ये चित्र जो मैं बना रहा हूँ, ये चित्र इस सवाल में समझ लो दिया हुआ है, इन्होंने कह दिया है पॉइंट पी है, तो पी ए की वैल्यू आपको दी है 12, पी वी की वैल्यू आपको दी है 9, पी सी की वैल्यू इन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी है 5, ठीक है। अब देखो इन्होंने तीन लेंथ कंपोनेंट को फिक्स कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, तीन लेंथ कंपोनेंट मुझे प्रोवाइडेड है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। आप क्या करोगे, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम अप्लाई करिए, आप कहोगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 स्क्वायर प्लस, ये थोड़ी देर के लिए x मान लो, क्योंकि पी डी की वैल्यू ही निकालनी है मुझे x स्क्वायर, तो यहाँ x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, ये क्या होता है, 5 और 12 के स्क्वायर को सम करते हैं तो क्या मिलता है, 13 स्क्वायर, पता है कि नहीं, 169 प्लस प्लस हो गया माइनस, माइनस आप इसमें 81 माइनस कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 88, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आपकी 88 आ गई, और x स्क्वायर अगर 88 हो गया तो x की वैल्यू आप लोगे तो ये स्क्वायर रूट निकलेगा 88 का, स्क्वायर रूट क्या होगा, आप 4 बाहर निकाल सकते हो, तो 2√22, यानी आपकी वैल्यू आ गई 2√22। कैसे निकाला, आपने ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम को डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दिया और आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो जब भी ये केस है तो आपसे मैं पूछूंगा कि पी पॉइंट को क्या आप कॉर्नर पे मूव कर सकते हो, पी पॉइंट को आप कॉर्नर पे मूव कर सकते हो, आपका जवाब होना चाहिए नहीं कर सकते, क्योंकि पी पॉइंट को अगर आपने कॉर्नर में मूव किया तो पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर आपके ऊपर एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जिसका पालन करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर भी देखते हैं कि क्या कोई मूवमेंट इस क्वेश्चन में पॉसिबल है जो हम मूवमेंट लगा सकें, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, मैं आपको कुछ ट्राई करा के दिखाता हूँ और ज़रा ध्यान से देखना, आपको मज़ा आएगा। देखिए आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे ठीक है, आपने ये बोल दिया कि इसको मैं कॉर्नर में मूव नहीं कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप कहोगे इसको यहाँ मूव कर लो, कहीं यहाँ रख लो कि जहाँ पर ये दूरी रहे 5, ठीक है। तो आपने कहा कि ये पॉइंट अगर सी है, ये पॉइंट पी को हम यहाँ लेके आ गए, ठीक है। फिर आप कहोगे नहीं नहीं पी पॉइंट तो रेक्टेंगल के अंदर है, देखो भाई रेक्टेंगल के अंदर है तो मैं कहूँगा ठीक है मैंने अंदर ही लिया है, ये इतना पास में है, अंदर है लेकिन लाइन के इतना करीब है कि उसके बीच की दूरी हमारी आंखों से हमको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अरे दो पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पता लगाना चाहते हो, देखो ऐसे करके घर पे जाना और एक हफ्ते तक ऐसे 0000 करके लिखते रहना लिखते रहना लिखते रहना, लास्ट में एक 1 लगा लेना,
फिर कहना कि ये मिनिमम है, फिर खुद को एक थप्पड़ मार देना कि नहीं अभी तो और जीरो लगा के वन लिख सकते हैं। तो दो पॉइंट के बीच में मिनिमम दूरी ना बहुत छोटी हो सकती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। पहली बात उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम मैथमेटिकली, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेम पॉइंट, आई एम सेइंग कि दो पॉइंट अलग अलग अगर हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, आंखों से हमारे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप देखो वही मैं कह रहा हूँ, लगभग पॉइंट यही होगा। तो आपने कहा ये पाँच हो गया। अब आपको ये भी दिया हुआ है कि जो पी डी की वैल्यू है, पी डी की वैल्यू फिर कितनी दी हुई है आपको, यही तो निकालनी है। तो ये पॉइंट हो गया आपका डी। फिर कहोगे आप पी डी तो आपको कैलकुलेट करना है, मैं कहूँगा वेरी गुड। फिर आपने कहा कि इस पॉइंट को पी को अगर हमने बी से ज्वाइन किया हुआ है तो पी बी की वैल्यू तो 9 दी हुई है, तो मैं कहूँगा ठीक है मैं वो भी लिख देता हूँ कि ये 9 के बराबर है। फिर आप कहोगे ये वाली जो वैल्यू है ना ये तो 12 के बराबर दी हुई है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगा यहाँ पर पी डी का। पी डी का कैलकुलेशन कैसे होगा बिना ये जो नियम दिया हुआ था, अगर ये नहीं जानते हैं या लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाओगे आप, देखो ध्यान से। ये 9 है और ये 5 है, आप ये वैल्यू निकालो। तो अगर आप कहोगे कि ये 9 है और ये 5 है तो आप कहोगे ये हो गया रूट एट्टी वन माइनस 25, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा। तो ये वैल्यू आपको मिल गई रूट 56, ठीक है, रूट 56 मिली। आप चाहो तो सिंप्लीफाई करो या इसको आप रूट 56 ही यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने इसको रूट 56 लिख दिया, क्योंकि भाई रेक्टेंगल है तो ये वाली जो लेंथ होगी ये ब्रेथ कहलाएगी और ये ब्रेथ यहाँ भी है, तो देखो इसको मैंने रूट 56 लिख दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ पी डी की वैल्यू। तो पी डी की वैल्यू क्या होगी, अब देखो आप हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका 144 माइनस 56, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपको, 88 आ रही है कि नहीं आ रही है, वो भी रूट में आ रही है। देखो पी डी की वैल्यू निकल गई। यहाँ भी पॉइंट को हम मूव करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉर्नर में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि कॉर्नर में अगर लेके चले गए ना आप तो कंडीशन हमारी वायलेट हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि पॉइंट को जब भी हम मूव करेंगे तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम क्वेश्चन में गिवन किसी कंडीशन को वायलेट ना करें। क्वेश्चन में रेक्टेंगल की कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है, ये ध्यान देना आप, रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ नहीं बताया गया है। तो जब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ बताया ही नहीं गया तो हम उसको वायलेट नहीं कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल मेंटेन रख रहे हैं, ये अभी भी रेक्टेंगल है, ठीक है। और हम बस सिर्फ एक चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी वैल्यूज दी हुई हैं इसको भी हम वायलेट ना करें। पी ए को 12 रखें, पी बी को 9 रखें, पी सी को 5 रखें, ठीक है। तो वो हमने रखा और फिर जो पी डी निकलेगा वो गलत हो ही नहीं सकता, वो सही होगा ही होगा। तो यहाँ से भी रूट 88 निकल आया। तो देखो आप ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम भी काम कर रहा है। और एक चीज़ जो मैंने आपको सिखाई है रैमो मैजिक्स सीरीज़ में, वो भी कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो हम नए नए थ्योरम्स देख रहे हैं और साथ साथ ये भी देखते जा रहे हैं कि रैमो मैजिक्स भी यहाँ आसानी से आंसर दे रहा है, ठीक है। हम ना भी जानते हैं तो चल रहा है काम, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें इस चैनल पे कराई जा रही हैं हर चीज़ को ध्यान से समझना। मैं ये टेस्टिमनी आपको दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। अगर आपको तब समझ में नहीं आया तो अब आना चाहिए कम से कम। कंडीशन वायलेट नहीं करनी है, अगर हमने कंडीशंस को वायलेट नहीं किया है तो, और एग्ज़ाम में आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे, चार वैल्यूज दी होंगी, आपको दिख जाएगा कि भाई मुझे कोई कांस्टेंट आंसर चूज़ करना है तो मैं इसको लगा सकता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपकी श्रद्धा है तो फार्मूले भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको नहीं कर रहा हूँ कि कोई बुराई है, ठीक है। आसान सा फार्मूला है, ध्यान रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो ये तो आपके साथ हमेशा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज विद इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। फिर से वही बात हो रही है कि विद इन रेक्टेंगल ए बी सी डी के भीतर, आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित है पॉइंट पी। और क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ये मैं डिफाइन कर देता हूँ, ए बी सी डी दिया हुआ है। और क्या क्या प्रोवाइडेड है कि जो पी ए की वैल्यू है ये x माइनस 2 है। तो मैं सारी वैल्यूज को ध्यान से देखना लिखूंगा, ये आपकी x माइनस 2 है और पी सी की वैल्यू है वो आपकी 2x प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसको मैंने 2x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ब्लू कलर से लूँगा इन दोनों को। पी बी की जो वैल्यू है वो x प्लस 2 दी हुई है और साथ में पी डी की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो x प्लस 3 दी हुई है। ये वैल्यू आपको x प्लस 3 प्रोवाइडेड है। तो अब देखो जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है इनके स्क्वायर का सम, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। और इनको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, वही पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि एक तरीका तो है कि हम इसको ट्रेडिशनली इसको सॉल्व करें, ठीक है, वैल्यू लेके। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम ऑप्शन चेक कर लें, दोनों करवा देता हूँ। देखो आप लिखोगे कि x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है
प्लस एक्स प्लस टू का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर के प्लस टू एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर के, क्योंकि ये फॉलो करेगा ना, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें एक एक्सप्रेशन तो लिखना ही पड़ेगा, तो वही मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे मालूम है कि पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर का सम पी डी स्क्वायर और पी बी स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब आप इसमें देखिए स्क्वायर करिएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, यहाँ से आपको मिलेगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। अब देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, अब ध्यान से देखो सबको एक साइड लेके आना है हमें, तो यहाँ देखो फोर एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वैल्यू एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो फोर एक्स आया, यहाँ पर आपका क्या आया माइनस फोर एक्स, देखो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका जो टर्म है एक्स का वो आ जाएगा माइनस टेन एक्स, मैं इधर लेके आ रहा हूँ। अब कांस्टेंट टर्म को देखना, यहाँ आपका बच रहा है प्लस फाइव, या फोर और फोर हटा दो यार, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एट, ये इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस एट आपका जो वैल्यू है वो आपको मिल रहा है इस एक्सप्रेशन से। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, एट थ्री जा क्या है आपका 24 है, फैक्टराइज करोगे आप तो 24 को आप 12 और 2 में ब्रेक कर सकते हो, 12 टाइम्स 2, और 12 और 2 का आपको पता ही है 10 मिल जाएगा आपको, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको पता है छोटा तरीका, कि अगर आपने ये 12 और 2 निकाल दिया तो साइन वाइन चेंज करके लिखते हो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। 3x आपने कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया x माइनस 4, और यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से मिला 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपको दो वैल्यूज मिलने वाली हैं, x इज इक्वल टू 4, x माइनस 4 कॉमन ले लो, और 3x प्लस 2 मिलेगा तो वहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। अब आप कहोगे कि माइनस 2 बाई 3 भी ऑप्शन में दिया हुआ है और 4 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? नहीं, एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन सही है क्योंकि चार ऑप्शन डिस्टिंक्ट लिखे हुए हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम लगाया, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बढ़िया सी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसेस में हम लोग को ये दो वैल्यूज मिली, तो क्या दोनों आंसर सही हैं? ऐसी गलती ना करें, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर लेके आ जाओगे और बाद में खुद को कोसते रहोगे, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 तो रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि P पॉइंट इन्होंने कहा रेक्टेंगल के भीतर है, अगर P पॉइंट रेक्टेंगल के भीतर है तो हमें पता है कि ये सारी जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव होंगी ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। अब आप बताओ अगर आपने x की वैल्यू नेगेटिव ले ली माइनस 2 बाई 3, तो देखना ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया कि नहीं, x माइनस 2 था, अगर आपने x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 ली तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी आओ जरा, 2x प्लस 1 माइनस 2 बाई 3 जरा रखना, तो ये माइनस 4 बाई 3 प्लस 1 हुआ, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो कोई एक ही नेगेटिव अगर हो रहा है तो वो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लेंथ है, अंदर पॉइंट है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि x माइनस 2 बाई 3 यहाँ संभव नहीं है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिले, दो वैल्यूज आई कि जिसपे ये x, अगर यही क्वेश्चन होता कि बताओ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या क्या हैं, तो x की दोनों वैल्यू होती बिल्कुल होंगी, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है वो x डिफाइन किया गया है कि एक पॉइंट है अंदर, तो वो नेगेटिव लेंथ लेके नहीं हो सकता ना, एक लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और हमारा सही उत्तर होगा 4। तो एग्जाम में ऐसी गलतियां आप लोग खूब करके आते हो ना, कि दो वैल्यूज आई दोनों दिख रहा है दोनों लगा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है सर, एक ही मार्क करना है, ये आपको लगता है सवाल ही गलत है, ये बिल्कुल सवाल सही है, है ना। तो एक तो एक तरीका हुआ जिसमें आपको इक्वेशन बना के काफ़ी समय व्यर्थ करना पड़ेगा तभी आंसर आपका आएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ, क्योंकि ऐसा तरीका जानते ही हो, मैं तो नहीं लगाने वाला एग्ज़ाम में, पर आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मुझे इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है, मुझे भी आता है, कर लेता हूँ, फिर भी इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप ना वैल्यूज़ को सीधे चेक करते, कैसे, आपको पता ही है रिलेशनशिप अगर मालूम है तो देखो मैंने कहा कि ऑब्वियसली माइनस 2 बाई 3 तो लेना ही नहीं है, पता है आपको नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब मेरे पास 4, 5, 6, 3 वैल्यूज़ हैं, सबसे छोटी वैल्यू से ही शुरुआत करना चाहिए, बिकॉज छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर करना होता है,
तो जब मैं 4 लेके चलूंगा तो आप देखो जरा क्या क्या वैल्यू मिलेंगी। यहां मुझे 2 मिल जाएगा, x माइनस 2 क्या हो गया 2, 2x प्लस 1, 4 इंटू 2, 8 प्लस 1 कितना हो गया आपका 9 हो गया। साथ में आपको मिला x प्लस 3, x प्लस 3 आपका कितना हो गया 7 हो गया, और आपका x प्लस 2 कितना हो गया ये आपका 6 हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या मिल रहा है आपको। आपको मिल रहा है 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब देखना है कि ये सही है कि नहीं है। आपको कहोगे ये हो गया मेरा 81 प्लस 4 85, ये हो गया 49 प्लस 36 वाओ 85, बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो ये वैल्यू सही है। अब एक ही आंसर मार्क करना है तो पांच वैल्यूज क्यों चेक करोगे? ठीक है, और ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं दिए हैं कि 1 एंड 2 बोथ, 1 एंड 3 बोथ। ठीक है, हो गया बस। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 4 आ रही है, 4 ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपको कोई भी शंका है तो आप 6 लेके भी ट्राई कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप 6 लेके अगर ट्राई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आपने लिया तो हो जाएगा 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 169 हुआ और यहाँ पर आपका देखना 81 प्लस 64, 81 प्लस 64 खुद में 169 से कम है, आगे तो सोचना ही नहीं है। 81 प्लस 64 आप निकाल लो, आप 169 से कम ही रहोगे, यहाँ तो 169 प्लस है, सही नहीं हो सकता। 5 भी रख के चेक कर लो, जिनको शंका है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको 4 समझ में आ गया बस वो मार करके आगे बढ़ना है आपको। एक ही ऑप्शन सही होना है, मेरी वैल्यू करेक्ट हो गई, क्यों हम ज़्यादा चेक करेंगे? माइनस 2 बाई 3 तो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। 5 वाले भी चेक कर लो, आपको मिलेगा क्या 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। देखो जरा 64 आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया 49। ठीक है, और ये वैल्यू देखना आपका क्या है 9 प्लस 121। अब ये वैल्यू आप ध्यान से देखो कितना आ रहा है आपका, ये वैल्यू जो आपका आ रहा है ये आपका आ रहा है 113, राइट 113 आपका आ रहा है, और ये खुद ही 121 से कम है, दिख रहा है साफ साफ, उसमें भी कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, तो आप अगर सब चेक करना चाहते हो तो वो भी करो, कोई तकलीफ नहीं है। चलो भाई ये तो हो गया, अब जरा क्या करते हैं ना, एक और तरीका ट्राई करते हैं कि अगर इस पॉइंट को हम मूव कराते तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इस पॉइंट को मूव कराते हैं और जरा देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके सामने बन सकती है। ये मैंने लिया, मान लिया रेक्टेंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इस पॉइंट को आप यहाँ मत लो, अभी यहाँ अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट को पी लिया आपने और ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट आपका हो जाएगा पी और ये पॉइंट आपका कहलाएगा ए। तो पी ए बन जाएगा इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस, जहाँ पर एक्स प्लस 3 आपका बेस हो जाएगा और एक्स माइनस 2 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पता है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट ना रखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन इस तरह का ना हो, रैदर ये पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं। अगर आपने ये पॉइंट यहाँ लिया तो ये वैल्यू एक्स माइनस 2 हो जाएगी और ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा एक्स प्लस 3, है ना, ये आपका एक्स प्लस 3 बन गया। और फिर आपका जो दो पॉइंट बचा, ये पी पॉइंट से लेके ये दूरी, ये आपकी हो गई 2x प्लस 1 और जो पॉइंट पी से बी की दूरी है ये दूरी हो गई आपकी x प्लस 2। ठीक है, सो ये सब कुछ बना हुआ है आपके सामने। अब आप क्या कर सकते हो ना, वैल्यूज़ को रख के फटाफट चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ मान लिया वैल्यू ली 4। ठीक है, तो वैल्यू जैसे ही हम 4 लेंगे यहाँ पर तो 4 टू 8 और 1 कितना आ गया 9 और ये हो गया 6। अब देखो 9 और 6 अगर मेरे पास है तो ये क्या बनाएगा आपका, ये वाली वैल्यू निकालना जरा, ये आपको हो गया बनाएगा 81 माइनस 36, सो ये वैल्यू होगी आपकी रूट 45। ठीक है, आप देख लो ना करके, 81 माइनस 36 अगर आपने किया, मैं विड्थ निकाल रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 45। अब मुझे यही चेक करना है कि यहाँ ये 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको हो गया 4 हुआ तो ये 7 हुआ और ये आपका 2 हुआ। देखिए ज़रा 7 स्क्वायर कितना हुआ आपका, 7 स्क्वायर आपका देगा 49, 49 माइनस 4 आपका रूट 45 बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर प्रूव हो रही हैं 4 पे, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डेफिनेटली देखो इस केस में क्या है ना कि आपको इक्वेशन रूट जो था लंबा वाला तरीका वो तो अख्तियार नहीं करना था। इवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बनेगी पर वो कितना लंबा हो रहा है, तो बेहतर क्या है कि वैल्यू रख के या तो आप डायरेक्टली ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से चेक कर लो कि क्या सही है, वो भी एक बेहतर तरीका है। आपको वैल्यूज जैसे आपने नंबर्स लिखेंगे फटाफट आप चेक कर सकते हैं ना कि क्या बराबर है, या फिर आपको एक तरीका मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बट यहाँ भी हम लोग वैल्यूज ही रख रहे हैं। पर यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, आप खुद ही समझ लो कि यहाँ पर हम लोग सीधे पाइथागोरस का यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर नहीं भी आता है तो भी आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है,
तो बार बार मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करना अपने आप में एक आर्ट है, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको हर डायमेंशन दिखाऊँ। तो जैसे ये जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट को शिफ्ट करके चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ये कितने क्वेश्चंस में लग रही है, अलग अलग तरह के थ्योरम से उनमें भी ये क्वेश्चंस ये हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आप इसको मास्टरी ज़रूर करिए, है ना। इंडिविजुअल क्वेश्चन को तो टारगेट करिए, जितने भी ज़्यादा एक्सपोजर आप ले सकते हो लीजिए, बट ये टारगेटिंग करना ज़रूरी है ताकि आपके अननोन सवाल भी आपसे निकलें बिना किसी डर के। वो डर ही निकाल रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। अब देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, और ज़रा ध्यान से इसको देखेंगे कि ये सवाल है क्या। ये सवाल है कि एक पॉइंट पी है, बिंदु एक पी है, जो आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित है, यानी ये रेक्टेंगल ए बी सी डी के अंदर है, और कह रहा है कि अगर लेंथ पी ए पी बी पी डी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। अब जरा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कह रहा है कि जो ये लंबाइयां हैं पी ए पी बी पी सी और पी डी, तो पी ए पी बी पी सी पी डी, ये कह रहा है कि ये डिस्टिंक्ट इंटीजर है। डिस्टिंक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पढ़िएगा। मतलब कह रहा है कि ये अलग अलग इंटीजर हैं, ये भिन्न पूर्णांक हैं, सेम नहीं हो सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये तीन है और ये भी तीन है, नहीं, सारी वैल्यूज अलग अलग हैं। मे बी एक दो तीन चार, मे बी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि चारों भिन्न पूर्णांक हैं, सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो कह रहा है तो नीचे दिए गए प्रश्नों में न्यूनतम मान ज्ञात करें, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने, पी ए पी बी पी सी पी डी का सम का मिनिमम वैल्यू पता करना। मतलब इसका सम का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है अगर पी ए पी बी पी सी पी डी सारे पूर्णांक हैं और भिन्न पूर्णांक है, मतलब कोई भी दो उसमें सेम नहीं है, भिन्न पूर्णांक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये बहुत अच्छा सवाल है आपके। अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लोग भी एक ऐड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग एसएससी मेंस में वाकई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इस सवाल को बहुत अच्छे समझना। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप जरा दिखाते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब ऐसा अजीब सा सवाल है कि कोई वैल्यू दी ही नहीं है, ना तो रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया है, ठीक है, ना ही इन्होंने कुछ भी बताया पी ए पी बी पी सी पी डी के बारे में। अब देखिए, जो बहुत होनहार लोग होते हैं वो कहते हैं जब कुछ दिया ही नहीं हुआ है तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिंड, होना ही होना है। भाई कुछ भी नहीं दिया, ऐसा सवाल आपने कम ही देखा होगा ना, कुछ दिया ही नहीं है। पी ए पी बी पी सी पी डी की लेंथ नहीं दिया तो ना ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम लगा सकते, ना कुछ कर सकते, ना ही रेक्टेंगल की डायमेंशन दिए, और कह रहे बताओ पी ए पी बी पी सी पी डी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो जो ज़्यादा होनहार लोग तुरंत ही कैन नॉट बी डिटरमिंड लगा देते हैं और उनको मिलते हैं नेगेटिव मार्क्स, ऋणात्मक अंक, लेके वो बाद में अपने आप को बहुत कोसते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि क्या कह रहा है और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटेल एनालिसिस करवाता हूँ मैं आपको। देखिए आप कहोगे अगर पॉइंट अंदर है तो ब्रिटिश फ्लैग थियरम के हिसाब से मुझे ये तो पता चल गया कि पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर का सम पी बी स्क्वायर और पी डी स्क्वायर के सम के बराबर होना ही होना है, ठीक है। अब आपसे निकालना क्या है आपको, पी ए पी बी पी सी पी डी के सम का न्यूनतम मान। तो हम कोशिश क्या करेंगे, और एक चीज़ और दी हुई है कि भैया ये पूर्णांक हैं सारे, भिन्न पूर्णांक हैं। आप कहोगे भिन्न पूर्णांक में, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा करते हैं ना, जीरो जीरो कर लेते हैं, फिर आपको कि नहीं जीरो जीरो करेंगे, जीरो 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 करेंगे तो बराबर तो हो जाएगा लेकिन ये रेक्टेंगल रह नहीं जाएगा, तो ये नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि वन 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 भी तो कर सकते हैं, वन 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 आप तब कर सकते हैं सर जब आपको ये दिया गया हो कि ये भिन्न पूर्णांक नहीं है, तब आप कहोगे वन 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 वन, आपने ले लिया मिनिमम इंटीजर जो आपके लिए पॉसिबल है, पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा सर, पी ए लेंथ पॉजिटिव नहीं होगा तो रेक्टेंगल का रेलेवेंस नहीं है, तो धनात्मक पूर्णांक लेना है मुझे, जीरो नहीं ले सकता ना मैं, रेक्टेंगल नहीं बचेगा, ठीक है। तो मान लिया धनात्मक पूर्णांक हमने लिया वन, तो अगर हमने वन लिया तो वन 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 पे बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन वो जो केस होगा फोर मिनिमम वैल्यू जो आप यहाँ से निकालोगे वो सही वैल्यू नहीं है, एक तो वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि यहाँ बराबर नहीं ले सकते इनको, अब मुझे एक्सप्लोर करना है कि कौन सी ऐसी न्यूनतम वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ऑप्शन दिख रहा है 16, 20, सम 32, 48 करके। तो अपने एनालिसिस की शुरुआत करते हैं, उसके पहले देखिए मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखने जा रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, मैं कुछ स्क्वायर्स आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि हम लोग एनालिसिस कर पाएँ इस चीज़ की। 3 स्क्वायर 9 होता है आपका, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर क्या होता है आपका, ये आपका 25 होता है, ठीक है। 6 स्क्वायर क्या होता है आपका, ये आपका 36 होता है,
यहाँ लिखूँगा मैं 7² 49 8² आपका 64 9² 81 10² 100। ठीक है, अब पहले मैं ये समझाता हूँ आपको कि मैंने क्यों लिखा है। उसके पहले देखिए, आपको बस यही पता करना है, आपको बस यही पता करना है कि ये कैसे पॉसिबल है। अब देखो, मैं आपको अब एक पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ। अभी जो हमने एक सवाल किया था थोड़ा देर पहले, उस सवाल में अगर आपको ध्यान हो तो आपको एक वैल्यू मैंने दिखाई थी, अगर ध्यान हो आपको, कि ये 2² बना दो और ये 9² बना दो, यहाँ ये 7² बना दो और ये 6² बना दो। इस केस में ये दोनों स्क्वायर्स बराबर आए थे, अगर आपको ध्यान हो, 85 85। लेकिन यहाँ पर देखो जो वैल्यू निकल के आ रही है, 7 और 6 कितना आया, 13, और 9 22, और 2 आपका निकल के आया कितना, 24। अब जरा ध्यान से देखना, ये आपको पता है कि 24 वैल्यू मैं निकाल पा रहा हूँ, जो एक वैल्यू हम अभी देख के आए, 2976 एक ऐसी वैल्यू थी जो हम अभी थोड़ी देर पहले देख के आए, ठीक है, जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा था। लेकिन इसमें फिर पी ए पी बी पी सी पी डी का जो सम निकलेगा ना, 2 9 7 6 24 आ रहा है, यानी मुझे एक वैल्यू तो दिख गई कि 24 तो ऐसे ही दिख रही, जो भी पिछला सवाल किया वहाँ से निकल के आ रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमिन तो हो ही सकता। मिनिमम वैल्यू पे सोचते हैं अभी कि निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, अभी इसको रहन दो पॉसिबल, ठीक है, मान लेते हैं कि कई वैल्यूज पॉसिबल होंगी, मिनिमम में नहीं निकाल सकते, कुछ ऐसा बनने वाला है केस, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, पहली बात तो 24 आ गया तो एक चीज़ तो सर्टेन हो गई कि ये 48 और 32 आंसर तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू मैं 24 तो ऐसे ही देख रहा हूँ, अभी पिछला एग्जांपल में मैंने देखा कि उसमें ये ट्रू हो रहा था। तो अगर पीए की वैल्यू 2 ले लो आप, पीसी की वैल्यू 9 ले लो, पीबी की वैल्यू 7 ले लो, पीडी की वैल्यू 6 ले लो, तो ये सम ही 24 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू या तो 24 से कम होने वाली है, और या हो सकता है हम ना निकाल सकते हो, क्या पता, ठीक है। तो अब जरा एक्सप्लोर करते हैं और वैल्यूज़ को। अब देखिए, आपके सामने मैंने इतने सारे नंबर्स लिख दिए हैं, इतने सारे नंबर्स में आप जरा कोशिश करिए कि कुछ ऐसा बैठा सकते हो कि आप तक कहोगे लीस्ट नंबर 1 है। मान लिया पी ए स्क्वायर को हमने 1 ले लिया, पी ए स्क्वायर को अगर हमने 1 ले लिया तो अब 3 नंबर मुझे और चाहिए कि ये सम बराबर हो जाए। कोशिश करो, ये तो 1 हो गया, अब ये 1 के साथ आपने कहा कि मान लिया इसको मैं कंबाइन कर दूं 4 के साथ, नहीं कर सकते क्योंकि बाकी फिर दो अलग अलग नंबर लोगे तो बनेगा नहीं। तो आपको करना यही है कि देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ जो अरेंजमेंट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है। अगर 4 नंबर हैं उनको मैं ऐसे कैटेगराइज करूँ कि लीस्ट नंबर, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर और हाईएस्ट नंबर, ठीक है, इस तरह का एक अरेंजमेंट मैं आपके सामने बनाऊँ, तो आपको पता है कि अगर मुझे इस तरह का अरेंजमेंट बनाना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि लीस्ट नंबर है और मतलब इसी ऑर्डर में नंबर मैंने लिखा कि मिडिल नंबर में देखो ये मिडिल लीस्ट है और ये मिडिल हाई है, ठीक है, तो मिडिल लीस्ट और मिडिल हाई, ऐसा नहीं कर सकते ना आप कि इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो और इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हायर हैं। हमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कम से कम ऐसा हो कि एक लो नंबर के साथ थोड़ा एक हाई नंबर आ रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ लीस्ट नंबर लिया हमने 2 तो इसके साथ देखो 9 आ रहा है और 7 और 6 का अरेंजमेंट बन रहा है। तो अगर मैंने 1 लिया, मान लिया 3 लेते हैं, 9 1 10, तो 10 क्या है, किसी स्क्वायर का सम किसी भी अरेंजमेंट में आ सकता है, नहीं आ सकता है, साफ साफ दिख रहा है 10 नहीं बनेगा, सब कम्बिनेशन ऑफ टू सम्स। फिर आपने कहा कि 16 और 1 17 लिया, कभी बनेगा, नहीं बनेगा, दो नंबर्स का स्क्वायर 17 कहीं है ही नहीं है। फिर आपने कहा कि मैंने 1 ले रखा है, मैंने 25 लिया, 26 बन गया, अब दो नंबर के स्क्वायर का सम 26 आ सकता है क्या किसी और अरेंजमेंट में, क्योंकि यहाँ तो 5 और 1 सेलेक्ट हो गया, उनको दोबारा नहीं कर सकते, तो 1² + 5² जो है ना कि आप देखो 26 कहीं से भी आ सकता है, जितने भी नंबर लिखे हैं, नहीं आ सकता है, और बड़े नंबरों की तो बात ही मत करो, क्योंकि जब हमें 26 सम लाना है तो हम इसके पीछे ही देखेंगे ना, कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहे। फिर आपने कहा कि इसको इससे जोड़ दिया, 36 और 1 37 कहीं से बना पाओगे आप इस अरेंजमेंट में, आप कहोगे दो नंबर को जोड़ के तो 37 बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। 1 को आपने फिर 7 से ऐड किया तो आपको मिला 50, ठीक है, 1 को 7 से ऐड किया तो आपको मिला 50, फिर मैं कहूँगा यहाँ कहीं 50 ला सकते हो, आप कहोगे 5² और 5² को जोड़ के ला सकता हूँ, मैंने कहा ये चलेगा ही नहीं, दो नंबर 5 नहीं हो सकते, मुझे हर नंबर डिस्टिंक्ट चाहिए, अलग अलग नंबर चाहिए, 5 5 नहीं बनेगा। फिर आप कहोगे अच्छा इसका मतलब आप क्या करें, 1² को 8² से ऐड किया तो कितना मिला आपको, 65 मिला, अब मैं कहूँगा 65 कहीं से बन सकता है क्या, इसके पीछे ही खोजो दो नंबर ऐसे कि 65 मिलेंगे, आप कहोगे कि ये देखो ये मिल गया मुझे 49, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 65, तो 49 में 16 जोड़ने पे 65 बन रहा है, ठीक है, 49 में 16 जोड़ने पे 65 बन रहा है। इसका मतलब मुझे एक चीज़ मालूम चल गई कि जो वैल्यूज़ हैं वो जो कम्बिनेशन मैंने आइडेंटिफाई किया वो आइडेंटिफाई किया 1² + 8²
और यहाँ जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो आइडेंटिफाई किया 4² और 7² ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं ये मैं पहला पेयर इस तरह का बना पाया। आप और भी कॉम्बिनेशन ट्राई करो, कोई भी इसमें हर्ज नहीं है, आप कोशिश करिए ठीक है। आप कहोगे नहीं हम 2 में भी कोशिश करेंगे, क्या पता मुझे मिल जाए, करके देखो आप, नहीं मिलेगा ठीक है। आप इसको करके देखो, आप जितने भी कॉम्बिनेशन है घर जाके बैठना, मैंने तो आपको बहुत अच्छा काम दिया है। आप जाके देखो कि क्या कोई ऐसे 4 नंबर पॉसिबल हैं जिनका सम इससे भी छोटा हो ठीक है, जिनका सम इससे भी छोटा हो और ये वैल्यूज़ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स आपस में बराबर हो जाएंगे ठीक है। आप कोशिश करना ठीक है। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको बताइए अलजेब्रा का भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आपको। आपको ऐसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपका वो के स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर है। मैं बताता हूँ अलजेब्रा में कैसे सवाल आ सकता है, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर है और वो बता देंगे के जो है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप बताओ कि सॉरी के नहीं सारे एक्स वाई जेड जो भी के डब्ल्यू सब सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सारे नंबर अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आपसे पूछेगा एक्स वाई के डब्ल्यू का सम का मिनिमम वैल्यू बता दो, अलजेब्रा का सवाल हो गया ठीक है। यहाँ तो मैं रेक्टेंगल से इसको रिलेट कर रहा हूँ, ये अलजेब्रा का सवाल भी आ सकता है, वहाँ भी आंसर आपका यही आने वाला है 20। अब देखो 7 और 4 कितना हुआ 11, 8 19 और 120। तो जो मिनिमम वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी वो 20 आ रही है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ कुछ भी नंबर दिए ही नहीं हुए थे, सिर्फ बोल दिया था पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि लेंथ पॉजिटिव ही होना है, उस केस में भी आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए एक अच्छी एनालिसिस चाहिए, आपको समझ आपकी होनी चाहिए, नंबर्स में आप अच्छे हो। तो कई लोग कहते हैं नंबर सिस्टम करा दो, ये देखिए नंबर सिस्टम का सवाल आपका हो गया है ठीक है। अच्छा सवाल था, अच्छी एनालिसिस थी, नंबर्स में काफ़ी कुछ सोचना था कि क्या होगा कैसे होगा। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें ये मालूम है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर में कोई एक 8 होगा, कोई एक 1 होगा। हमें नहीं पता कौन सा 8 है और कौन सा 1 है, ये मत पूछ लेना इस क्वेश्चन में कि पी ए की वैल्यू बता दो, नहीं मालूम हमको, समझ रहे हो आप। ये जो चारों वैल्यू मैंने लिखी है ना, इसमें बस मुझे ये पता है देखो कि 1 और 8 जो वैल्यूज़ होंगी वो ऐसे होंगी, या तो पी ए होंगी, पी ए और पी सी होगा, या फिर पी सी और पी ए होगा, या फिर ये पी बी और पी डी होगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, या फिर ये पी डी और पी बी होगा। ये 4 कॉम्बिनेशन में ये वैल्यूज़ ले सकते हैं राइट, बट ऑर्डर यही होगा कि पी ए पी सी, अगर पी ए 1 है तो पी सी 8 होगा, अगर पी सी 1 है तो पी ए 8 होगा, अगर पी बी आपका 1 है तो पी डी 8 होगा, अगर पी डी आपका 1 है तो पी बी आपका 8 होगा ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन दिखाए मैंने, ऐसे ही हो सकता है कि आपका 4 और 7 में यही 4 कॉम्बिनेशन हैं ठीक है। तो कि अगर पी ए पी सी ये हैं तो आपका पी बी और पी डी फिर इनमें से वैल्यूज़ लेगा ठीक है, पी बी और पी डी इनमें से वैल्यूज़ लेगा। अब इसमें भी पी आपका ये पी सी पी ए है, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते रहेंगे आपके ठीक है। तो यूनिक वैल्यू नहीं पता मुझे कि पी ए की पी सी से क्या है, बट पी ए और पी सी में से मतलब जो ऑर्डर है इनको बराबर करने का, क्योंकि उन्होंने पूछा भी सम है, तो कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है मुझे नहीं पता। मुझे पता है इन चारों में से 2 वैल्यूज जो हैं वो 1 8 हैं, 1 4 7 है। तो अगर सम निकाल रहा हूँ मैं, तो सम तो भैया पता है मुझे कि 20 होगा, मिनिमम सम 20 होगा। और भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, मैंने आपको दिखाया एक वैल्यू और 24 भी आ रहा था वहाँ पर, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। मेरा पर्पस था कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो मैंने निकाल लिया कि इसके सम का मिनिमम वैल्यू कितना है, वो वैल्यू आपको दिया है कि 20 आएगा। अलग अलग वैल्यूज़ नहीं पता कि पी ए की वैल्यू क्या है, पी बी की वैल्यू क्या है, ये थोड़ा ना मालूम है हमें। ओवरऑल पिक्चर मिल गई और हमने सम निकाल लिया। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल भी आ सकता है कि इसके प्रोडक्ट का मिनिमम न्यूनतम मान क्या है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी, इसका मिनिमम मान क्या है। तो आप कैसे निकालोगे इसका मिनिमम मान, इसका मिनिमम मान अगर आपको निकालना है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि वैल्यूज जो है ना वो है 1 4 7 और 8, ये 4 वैल्यूज हैं किसी भी ऑर्डर में हो। अगर आप प्रोडक्ट निकालने जा रहे हो ना तो क्या करना पड़ेगा, 1 × 4 × 7 × 8, कोई भी वैल्यू किसी को भी दे दो, चारों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो 1 4 7 8 ही बनेगा ना। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, 28 × 8 आपका 160 + 64 आपका कितना आ गया 224। और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है आपसे, पूछ सकते हैं कि जो भी आपको वैल्यूज इन्होंने प्रोवाइड करी है ना, इसमें जो भी ओवरऑल पिक्चर वाले क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां आपको इंडिविजुअल वैल्यूज की ज़रूरत ना हो, वो सारे ऑप्शंस पॉसिबल है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि मैं बहूँ कि आप बताइए पी ए इंटू पी सी अपॉन पी बी इंटू पी डी की वैल्यू निकाल दो, ये क्या होगा ठीक है। आपको ये पता है कि पी ए और पी सी में से देखो जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे मालूम है क्या है, कॉम्बिनेशन ये है कि 1 का 8 से कॉम्बिनेशन बनना है, 1² + 8² क्योंकि 65 आ रहा था, और 7 का कॉम्बिनेशन 4 से बनना है।
तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि आपका पी ए पी सी 1 और 8 लेके चले जाएंगे और ये 7 और 4 लेके चले जाएंगे, या फिर आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी 7 × 4 / 1 × 8। ठीक है, जब गिवन और ये प्रोवाइडेड है आपको कि केस क्या है, केस आपको ये दिया गया है कि पी ए पी बी पी सी पी डी की मिनिमम वैल्यू के केस में, कि जब ये मिनिमम है उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, उस केस में पी ए इंटू पी सी अपॉन पी डी इंटू क्या होगा, आप सिंप्लीफाई कर लो, तो या तो वैल्यू ये 2/7 होगी या फिर ये वैल्यू आपकी 7/2 होगी। ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। ये भी सवाल बन सकता है कि जब ये मिनिमम है तो इसकी वैल्यू क्या है, निकाल देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों पेयर जो होंगे वो इनकी पॉसिबिलिटी यही है कि या तो ये 1/8 होंगे या 7/4 होंगे। ठीक है, इनके पेयर की वैल्यू, तो इन सबको निकाला जा सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था जो आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएट करेंगे पेपर में, अगर ऐसे सवाल बनते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, आपको भी होनी चाहिए, है ना, कि थोड़ी सी एनालिसिस से, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेसन बहुत पसंद आया होगा। तो क्या करना है आपको, शेयर करिए, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आ रहे हैं, आपको थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन मिल रहे हैं, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो शेयर तो कर ही सकते हो। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो भी लाइक कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्ट्रिक्स ई क्लासेस टेलीग्राम यूजर नेम है, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल हेलो एप्ट्रिक्स, जिसमें हम अपडेट करते रहते हैं आपको कि कौन से वीडियो आने वाले हैं, कब अपलोड होगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा इस डिस्कशन में, और बाकी कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।